Hello, this is chapter number 8, The Great Bear and the Little Bear. Once upon a time, there lived a beautiful woman in Greece. एक समय की बात है जब एक बहुत खूबसूरत या सुंदर औरत ग्रीस में रहती थी. Her name was Callisto और उसका नाम कैलिस्टो था. She had a son named Arcas और उसके बेटे का नाम अर्कस था. She was very happy looking after and playing with him. वो उसकी देखभाल करने में बहुत खुश थी, उसके साथ खेलती थी और खेलने में भी बहुत खुश थी. However, her happiness was not going to last. लेकिन जो उसकी खुशी थी बहुत लंबी नहीं चल सकी. Many people were jealous of Callisto और बहुत से जो लोग थे वो Callisto से जलते थे. They went to a goddess and said to her, they यहाँ पे people को कहा गया है, वो लोग एक goddess के पास गए, देवी के पास, और कहा, beautiful goddess, हे सुंदर देवी, Callisto says she is more beautiful than you. Callisto बोलती है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा सुंदर है. The goddess was furious. तो जो goddess होती है वो बहुत angry हो जाती है. यहाँ पे furious का मतलब होता है बहुत गुस्सा हो जाना. She cursed Callisto and changed her into a bear. अब वो क्या करती है, जो देवी होती है, जो गॉडेस होती है, वो कैलिस्टो को श्राप दे देती है, कर्ज दे देती है कि वो एक बैर में चेंज हो जाएगी, भालू बन जाएगी. कैलिस्टोज हैंड एंड फीट चेंज इनटू पाव्स विद शार्प क्लाउज. अब जो कैलिस्टो के जो हाथ और पैर होते हैं वो पाव्स और शार्प क्लाउज में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, पाव्स बोलते हैं फीट ऑफ एनिमल दैट हैव क्लाउज. ठीक है, एंड जो क्लाउज होता है शार्प कर्व्ड नेल्स होते हैं. ठीक है, जैसे जानवरों के जो पैर देखे होंगे आप लोगों ने, नुकीले नाखून होते हैं उस तरीके से. सो हर स्वीट वॉइस बिकेम अ सैवेज ग्राउल. अब जो उसकी जो मधुर आवाज़ थी जो पहले थी, अब वो एक ग्राउल में चेंज हो गई. लाइक जो गुस्सेल तरीके का जो साउंड निकालते हैं जानवर, उस तरीके से चेंज हो गई. हर माउथ वॉज फिल्ड विद टेरिबल टीथ. और जो उसका मुँह था उसके अंदर बहुत टेरिबल टीथ हो गए, यानी खतरनाक टीथ, जो गंदे टीथ होते हैं. And her delicate jaws became rough and powerful. और जो उसके jaws थे वो एकदम rough हो गए और थोड़े powerful हो गए. The big black bear moved heavily towards her son Arcas. अब जो ये Callisto थी वो bear में change हो गई थी और वो जो है अपने बेटे की तरफ चली जा रही थी. ठीक है, he screamed in terror. जो Callisto का जो बेटा है Arcas, वो टेरर यानी डर से चिल्ला रहा था. किस से डर रहा था? वो अपनी मदर से ही डर रहा था जो कि अब वो बैर बन गई थी. इन द ब्यूटीफुल वुड फेरीज केम एंड रश्ड अवे विद Arcas. तब बहुत सारी सुंदर फेरी आई, मतलब जंगल की जो परियां होती हैं वो आई और Arcas को लेके दूर चली गई. Callisto लुक्ड लाइक अ फेरियसियस बैर बट शी वॉज स्टिल जेंटल एंड लविंग. Callisto जो थी बहुत जो Callisto थी वो दिखने में तो एकदम गुस्सैल बैर बन गई थी, लेकिन अभी भी जो वो जेंटल थी और बहुत ही लविंग थी. शी वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल बेयर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स. वो भले बैर बन गई थी लेकिन उसको भी अभी सारे के सारे जो बैर्स थे जंगल के उनसे डर लगता था, वो वाइल्ड एनिमल्स से उनसे भी डर लगता था. शी रन अवे फ्रॉम हंटर्स. वो शिकारियों से दूर भागती थी एंड देयर डॉग्स टू, और उनके कुत्तों से भी दूर भागने लगी.